अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेम बेक्स रेसिपीज। आज हम बना रहे हैं कॉर्न चाट। उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली है वो है कॉर्न्स, या फ्रोज़न भी ले सकते हैं या फिर ताज़ा भुट्टे के भी ले सकते हैं। टमाटर चाहिए बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, एक अदद लीमू, थोड़ी सी हरी चटनी, प्याज चाहिए बारीक कटा हुआ, नमक चाहिए हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर चाहिए, चाट मसाला चाहिए और इसके अलावा हमें चाहिए टोमेटो केचप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉर्न्स को बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि बॉईल करने से कॉर्न्स का जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो। अब हम पानी को बॉईल आने तक पका लेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें कॉर्न्स डालेंगे और तकरीबन 8-10 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे। तो जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से गल गए हैं और ये काफ़ी अच्छे से फूल भी गई है। इसी तरह अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे किसी स्ट्रेनर या फिर टोकरी में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें साइड पे कर देंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें कॉर्न्स डालेंगे, प्याज शामिल करेंगे, हरी चटनी शामिल करेंगे, कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे, टमाटर शामिल करेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केचप शामिल करेंगे, लीमू निचोड़ेंगे, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, अब इसे डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, तैयार है कॉर्न चाट, बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। दुआओं में रखिएगा याद। फी मानिल्लाह।